इन लोक गीतों को इकट्ठा करके क्या करने वाले हैं? जो जी में आए गा दिया, ऐसे लोक गीतों को इकट्ठा करके क्या मिलने वाला है? जो मन में आया गाने वाली बात नहीं है, ये लिखित साहित्य से काफी बढ़कर है। ये शैली की कविताएं आपने पढ़ी भी होंगी, उनकी बेस्ट लव फिलॉसफी, द रिवर्स मिंगल विद द सी, नदियां समुद्र में समाती हैं, द सन विद द माउंटेन, सूर्य पहाड़ में मिल जाता है, व्हाई नॉट आई विद यू ऑल, तुम लोगों में मैं क्यों नहीं मिल सकता। अरे वाह, क्या कमाल की कविता है ये। दिल से दिल मिले, समुद्र से तुम मिले, तुम से हम मिले, हम सब मिले, ये तो अंग्रेजी में कह रहे हो ना। देख लिया, विचार कितने मिलते जुलते हैं। शैली ने एक बार जो गीत लिख दिया वो सदियों तक रहेगा। अब जैसे लोक गीत है वो लिखा गया हो तो सदियों तक रहेगा। इंटरेस्टिंग। अरे हम भी तुम्हारी तरह फटफट अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये पढ़ाई हमारे नसीब में है कहाँ। अरे मास्टर जी ठीक नहीं मिले थे हमको उस समय। अरे वो अपनी बात को ही दोबारा दोबारा बोलते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में कहाँ आने वाला था, इसीलिए कुछ नहीं पढ़े हम। अरे जरा संभल के आना। अरे इस घर में सब कुछ हम ही है, हमसे पूछे बिना तो यहाँ परिंदा ही पर नहीं मारता। हाँ, अरे देखो ये तुम्हारा कमरा है, अरे बाथरूम पिछवाड़े में है, और खाने के लिए नीचे आ जाना। अरे आओ बब्बू आओ। अरे संभल के आना। आओ बनवारी। अरे भैया खाना हो गया क्या? हाँ अभी अभी तो खाया है। अरे साहब तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, इसलिए लेके आए यहाँ पर। साहब आइए आइए। नमस्कार, आइए। अरे बोरी हटाओ ना, आइए मालिक बैठिए। कोई बात नहीं साहिब, जब ये गाना गाते हैं तो सब अपना गम भूल के मस्त हो जाते हैं, इसीलिए तो सब लोग इनको गाने के लिए बुलाते हैं। इतना बढ़िया गाना गाते हैं। ये क्या, मैं अकेला थोड़ा ही गाता हूँ, गांव में खेतों में काम करने वाले सभी गाते हैं। फसलों के लिए खाद की जरूरत होती है, और मूछों के लिए शान की जरूरत है, और गले के लिए सुर की जरूरत है, ऐसी कहावत है। चूँकि बचपन से ही गाता आ रहा हूँ, इसलिए लोक गीत तो मेरी आत्मा में बसा है। क्या आप एक गाना गाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। फ्रेश टेप है ना? जी हाँ। आप गाइए। जरा मन की केवड़िया खोल सैया तेरे द्वारे खड़े, जरा मन की केवड़िया खोल सैया तेरे द्वारे खड़े, सैया तेरे बल में तेरे द्वारे खड़े, तेरे द्वारे खड़े, जरा मन की केवड़िया खोल सैया तेरे द्वारे खड़े। कब आएगी नदी किनारे श्याम तुझको पुकारे बोल, जरा मन की केवड़िया खोल। आपकी वाणी बहुत ही मधुर है। आपने बिल्कुल सही कहा मालिक, मेरी आवाज तो बहुत दूर दूर तक गूंजती है। हर आदमी का ऐसा गला नहीं होता। देखिए ये फटा बांस है, इसका गाना सुनेंगे? क्यों नहीं, उरंचन शुरू हो जा। जमुना के तट पर मारी नजरिया ऐसी सावरिया ने, के मन व्याकुल है उसे पाने के लिए। आंखों में निंदिया नहीं, मन में चैना नहीं, आजा पास मेरे दूर कभी जाना नहीं। तू ही मेरा जीवन है, तू ही प्राणवायु है, तू मुझसे दूर कभी जाना नहीं, तू पास है तो मौत भी टल जाएगी। अब आप उसकी सुरीली आवाज सुनेंगे, वो भी अच्छा गाता है। गाओ बेटा। दो प्रेमी आए और ऐसे मिले जैसे सागर से नदियां मिले, प्रेम के सागर में गोता लगा कर वो अमृत को खोजने लगे, अरे अमृत को खोजने लगे। कैसी लगी मालिक? बहुत खूब। ये भी बहुत अच्छा गाता है, बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। लाली तेरे होठों की आज मैं चुरा लूंगा, भरे समाज में तुझे मैं अपना बना लूंगा, दिन ये सुहाना आज इकरार कर ले, दूर दूर मुझ सबा का नहीं जान ले, दिल न तोड़ अपने मन की बात मान ले, तू ही मेरी जिंदगानी आ करीब आ। अब कोयल की आवाज में कोई लोकगीत सुनना चाहे? जरूर सुनेंगे। गाओ बेटी। तुम्हारी दिसारे हम आ गए परदेसी, तुम्हारे दिसारे, तुम्हारे दिसारे हम आ गए परदेसी, तुम्हारे दिसारे। झंझन झंझन घुंघरू बाजे, डम डम डमरू दंगा बहती है। अरे मेरी चमक, चलो कितनी अच्छी आवाज है। अरे कितना भी घर का खाना खा लो,
जब तक महमूद मियां के ठेले पे जाके ना खाऊं तो दिल ही नहीं भरता। उनका तो जवाब ही नहीं है। अच्छा हुआ तो जल्दी घर में आ गए, अगर बारिश से भीग जाते तो हालत ही खस्ता हो जाती। देख के नहीं चल सकते क्या? अरे बिटिया तुम इधर हो, हमको समझ में आ रहा है, फिर भी तुमने टक्कर क्यों मारी हमका? अंधेरे में मैं नजर आऊंगी क्योंकि मैं गोरी हूँ। जब तुम जैसे सांवले लोग अंधेरे में आओगे तो बत्तीसी दिखा के आना, नहीं तो नजर नहीं आओगे। अरे देखा बाबा, हम लोग सांवले हैं इसलिए बत्तीसी दिखा के आना पड़ेगा, आइंदा ऐसे ही दिखाते हुए आएंगे। चलो बनवारी 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 तो नहीं है। मैं कॉलेज जा रही हूँ, पापा बैंक गए हैं, बनवारी आए तो कहना यहीं रहने के लिए। अरे फिक्र ना करो बेटे, हम आ गए हैं, अब तुम जाओ। कौन है ये? सत्य प्रसाद, मेरे पापा के असिस्टेंट है। काला है लेकिन दिल वाला है। अरे वाह वाह, जरा दोबारा बोलना। काला है दिल वाला है, यही तो कहा है मैंने। अरे बबुआ सुना तुमने, कह रही है काले हो लेकिन दिल वाले हो। हेलो, ये बात अपनी फ्रेंड से कहिए। हाँ बेशक ब्लैक ब्यूटी होती है। जब कृष्ण की तस्वीर बनाई गई थी पहली बार तो वो सांवली ही बनाई गई थी, तभी तो राधा के सांवरिया थे। समुद्र की गहराई काली, बरसने वाले मेघ काले, कुल मिलाकर काला रंग ही सबसे अच्छा। अरे बबुआ, हम जैसे काले लोगों की तो किस्मत खोल दी तुमने, इससे बढ़िया खिताब हमें और क्या मिलेगा। जा जा पढ़ो जाके कॉलेज में। नमस्ते बेटा। नमस्ते बनवारी। अरे भैया, साहब है क्या? क्या बात है साहब, तो बाहर गए हैं। बाहर गए हैं, आज मुझे बुलाया था। ये बात है? हाँ। थोड़ी देर रुकिए, अभी पूछता हूँ बिटिया से। अनुराधा अनुराधा, चाय वगैरह कुछ ले। आइए आइए। कैसे हो बिटिया? साहब जी को मिलने के लिए आया था। आप बैठिए, पापा ने आपके लिए पैसे दिए, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ बेटे, गीतों का काम कैसे चल रहा है? काफ़ी अच्छा चल रहा है। इससे कोई फायदा नहीं होगा बेटे, अगर मेरे बारे में किताबों में छापोगे तो तुम्हें फायदा ही होगा। ये आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? बेटे एक एकड़ जमीन पे मैंने केले के पेड़ लगा के कॉलेज पढ़ने वाले बेटे को बोलकर बेटी के घर चला गया। लौटने में लेट क्या हुआ, आकर देखा कि केले के पेड़ सब बर्बाद हो चुके थे। तुम जैसे पढ़े हुए जवान खेती के बारे में क्या जाने भला, तुमने बचपना ही है। मैं जानता हूँ, केला प्रत्यारोपण के बाद दो बार खाद डालनी चाहिए, DIP, पोटेशियम सल्फेट, यूरिया, ये सब मिलाकर एक केले के पेड़ के लिए 300 ग्राम डालना और सिंचाई करें। अगर आपने सिंचाई नहीं की तो 5 दिन तक ही टिकेगा, मूंगफली 10 दिन टिकेगा और तिल 20 दिन टिकेगा। अच्छा, आपने एक एकड़ में 1000 केले के पेड़ लगाए होंगे तो केले मजदूरी और खाद कुल मिलाकर आपको 40,000 का नुकसान होगा। बहुत अच्छे मास्टर जी, अकलमंद आदमी को ही साथ रखे हैं। ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। जी जी। सत्य प्रसाद आईसन झटका दिया है कि रामसन पैसा लेके दुमदुमा के भागे। अरे वाह बबुआ, अंग्रेजी में गाना गाते हो, पहाड़ और सूरज की खबरें देते हो, कमाल करते हो भाई आप तो। आईसन बढ़िया दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी भैया, थोड़ा बहुत हमरे भेजे में भी डाल दो ना तो हमारा काम निकल जाएगा भैया। देखो बनवारी सुनो, सांप के पैर नहीं होते, मक्खी के दांत नहीं होते, तितली की जीभ नहीं होती, पतंगे का पेट नहीं होता है, मेंढक की गर्दन नहीं होती है, केकड़े का सर नहीं होता है, अल्बेनिया में धर्म नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रेन नहीं है, सऊदी अरबिया में नदी नहीं है, अफ्रीका में कोई गोरा नहीं है और अमेरिका में। बस बस बस, ये सब हमारे दिमाग में घुसने के लिए 7 दिन मिलना पड़ेगा। आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख अगले महीने की 10 को तय कर दी गई है, ये चुनाव आयोग का निर्णय है। पिछली बार की तरह इस बार भी सत्तारूढ़ी पार्टी को ही विपक्ष से मजबूत बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रनों से हराकर एक दिवसीय श्रृंखला पर जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव की तारीख चुनाव आयोग कमीशन ने अगले महीने की 10 को तय कर दी है। चुनाव आयोग कमीशन इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। प्रत्याशी 16 अप्रैल से अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल तय की है। तत्पश्चात ही चुनाव प्रचार आरंभ हो सकेगा और जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहे वो 28 अप्रैल से पहले ले सकते हैं। 28 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं है। केवल यही नहीं, चुनाव आयोग इस पर कड़ी नजर रखेगा। अरे चुप रहो भाई, रघु के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी चुप नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता रहता है। बेटा विदेश में कमा रहा है, ऊपर से यहाँ खेतीबाड़ी भी है,
इसके अलावा पेंशन भी आ रहा है, फिर भी चुप नहीं बैठता है। गांव के लोक गीतों को एकत्रित करके उसने किताब बना रहा है।